हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये देखिए, मेरे टेरेस गार्डन में एक गोल्डन कस्टर्ड एप्पल और एक रेड कस्टर्ड एप्पल हुआ है। आज के वीडियो में मेरी बच्चियाँ आप लोगों को ये खा के दिखाएंगी, इसका टेस्ट कैसा होता है वो भी बताएंगे। देखिए, पौधों को मैं उतना टेक केयर नहीं करती हूँ, फिर भी एक एक फ्रूट उसमें लगा है। 1.5 साल का पौधा है और देखिए इसका साइज भी और बड़ा होता, लेकिन मेरे यहाँ पे उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलती है, आप लोग जानते ही हैं। आप लोग अगर इसको टेक केयर करेंगे तो और साइज़ में ये बड़ा होगा, क्योंकि गोल्डन कस्टर्ड एप्पल और रेड कस्टर्ड एप्पल दोनों का ही साइज़ बहुत बड़ा साइज का ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टेरिस गार्डन में कैसे होता है ये गोल्डन कस्टर्ड एप्पल और रेड कस्टर्ड एप्पल। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवशिमी दास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीमंतिनी और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, आज हमारे जो टेरेस गार्डन है उसमें गोल्डन कस्टर्ड एप्पल और रेड कस्टर्ड एप्पल ये दोनों पक चुके हैं, और इन दोनों फल को आज मैं आपको काट के खा के बताऊंगी कि इन दोनों का टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं फल को। तो देखिए, ये है गोल्डन कस्टर्ड एप्पल। और अब देखिए, ये है रेड कस्टर्ड एप्पल। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है कस्टर्ड एप्पल का, ये और भी बड़ा साइज का होता पौधा, लेकिन मेरी यहाँ पे ग्रो बैग में रखा हुआ था, मुझे रिपोर्ट करने की टाइम नहीं मिली थी। फिर बहुत दिन बाद मैं इसको फिर ग्रो बैग में रखी हूँ। अगर इसको ज़मीन में या बड़े गमले में लगाती तो और भी ज़्यादा फ्रूट होती, और इसके अलावा मैं खाना भी देती नहीं हूँ टाइम पर, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए, कलर बहुत खूबसूरत आया है इसका। फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेड कस्टर्ड एप्पल और गोल्डन कस्टर्ड एप्पल को काटेंगे, फिर हम लोग खा के बताएंगे कि ये दोनों कैसे खाने, मतलब टेस्ट कैसा। तो चलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, गोल्डन कस्टर्ड एप्पल का भी बहुत खूबसूरत कलर है और रेड कस्टर्ड एप्पल को देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। खाना तो दूर की बात है, देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है और एक स्मेल भी निकल रही है इनमें से। अभी शिवशिनी और श्रीमती ने इसको खाएगी और आप लोगों को बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन दिखने में ही लग रहा है कि अच्छा ही खाने में। हम लोग आपको इसको खा के बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। चलिए खाएं। फ्रेंड्स, मीठा, ये जो गोल्डन कस्टर्ड एप्पल है ये बहुत ही अच्छा खाने में, मीठा बहुत मीठा है ये, मीठा मुझे बहुत अच्छा लगा ये कस्टर्ड एप्पल, ये बहुत अच्छा है खाने में। और मैंने सुना है इसको खाने जब आप इसको खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत प्रोटीन होता है इसमें। फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेड कस्टर्ड एप्पल को खा के बताएंगे ये कैसा है खाने में। मीठा, बहुत सुंदर खाने में है, बहुत मीठा है ये, उतना ही मीठा है जितना ये येलो कस्टर्ड एप्पल था, बहुत अच्छा है ये। ये 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 जो रेड कस्टर्ड एप्पल है ये येलो कस्टर्ड एप्पल के तरह टेस्ट नहीं है, इसका थोड़ा सा अलग टेस्ट है, इसका थोड़ा सा फ्रूट टाइप टेस्ट है। खाने में क्या दोनों ही अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर है और दोनों ही बहुत मीठा है। दोनों बहुत। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स में बताएंगे। और सब फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।